यूपी का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इस बारे में बात करते हैं नवाबशाह में एक्सप्रेस न्यूज के नुमाइंदे अब्दुल्ला शेख से। अब्दुल्ला, नवाबशाह में इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी हाँ नवाबशाह में मैं आपको बताऊं कि गुज़िश्ता एक माह के दौरान जो बारिशें हुई हैं 556 मिलीमीटर हुई है, जो कि नवाबशाह की तारीख का रिकॉर्ड है। इस वक्त ये है कि शहर के बहुत से इलाकों से तो पानी साफ कर दिया गया, लेकिन अभी भी बहुत से इलाके जिसमें जो है PMC अस्पताल और कॉलोनी है, डिस्ट्रिक्ट जेल है, पुलिस लाइन है, कायद आराम यूनिवर्सिटी है, इसके अलावा HM पूजा रोड है, अस्पताल रोड है, सकरन रोड है, इधर अभी भी दो से तीन फीट पानी जमा है। TMA का ये कहना है कि उनके पास वसाइल कम है, जिसकी वजह से उनके निकासी अब में परेशानी का सामना है, लेकिन शहर के 75% शहरी इलाकों में अब भी पानी मौजूद है। और देहात की सूरत हाल ये है कि देहात में 3 से 4 फुट अब भी पानी मौजूद है, लोग बहुत बुरी हालत में, जो लोग नकल मकानी करके कैंपों में आए तो कैंपों की सूरत हाल ये है कि वहाँ पर भी पानी मौजूद है और पानी से निकल कर उन्हें कैंपों में जाना पड़ता है। जी अब्दुल्ला, ये बताएगा कि वहाँ पर मियां नवाज शरीफ की क्या मसरूफियात रही? जी हाँ, हैदराबाद से मियां नवाज शरीफ टंडोलियार के दौरे पे निकले थे, वहाँ उन्होंने चंबड़ में मुतासिम से मुलाकात की और चंबड़ का जो शहरी टंडोलियार का जो शहरी इलाका है उधर मुतासिम से खिताब भी किया, जिसके बाद वो बरास्ता हैदराबाद से नवाबशाह पहुंचे और नवाबशाह एयरपोर्ट से वो वापस लाहौर रवाना हो गए। इस दौरान उन्होंने जो है मुतासिम से मुकम्मल इदारे यकजहती किया। उनका यह भी कहना था कि पंजाब हुकूमत और नून लीग उनके साथ है और वो जितना भी वक्त हो सकता है वो मुतासिम को देंगे। जी जी बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला शेख, हमें अपडेट कर रहे थे नवाबशाह। और अब